हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने आईफोन के अंदर डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने आईफोन के ऐप स्टोर पे, और सिंपल आप लोगों को ऐप स्टोर को ओपन कर लेना है। आपकी मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन पहले से मौजूद होती है। सिंपल आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। डाउन राइट कॉर्नर में आप लोगों को सर्च का आइकन छो रहा होगा। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। सेंटर टॉप पे आप लोगों को सर्च बार दिख रही होगी। सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करके टाइप करना है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर को टाइप करने के बाद आपको सर्च के ऊपर टैप कर देना है, और ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ रही होगी। सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से है तो आप लोग इसको अपडेट करके होम बटन को प्रेस कर दीजिए। देन आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने पास ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके की यह एप्लीकेशन जो है इंटरफेस देगी आप लोगों को। नीचे टॉप डाउन में डाउन सेंटर में आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा होगा कैमरे का, उसके आगे प्लस का आइकन भी बना हुआ होगा। सिंपल अगर आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो अभी आप लोगों के पास कोई अगर डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आप लोग उसकी डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों ने अगर पहले से पिक्चर क्लिक की हुई है तो ऊपर आप लोग देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में आप लोगों के पास ऑप्शन है इंपोर्ट इमेजेस का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप करना है और कोई भी इंपोर्ट कर लेनी है आपको इमेजेस। मैंने पहले से यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट करके रखी हुई हैं अपने पास, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पहले से हैं, तो सिंपल यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बन चुका है। हमें इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आपको इसको शेयर करना है तो आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको इसको सेव करना है आप इसको सेव जेपैग में कर सकते हो। आप लोग शेयर इसको पीडीएफ में कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। और यहाँ पे आके आप इसको सेव टू फाइल्स कर सकते हो। बाय बाय।